नमस्कार, मैं हूँ रेखा पंवर। मेरा चैनल चटपटा खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मावे की मालपुए। मावे की मालपुए बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है देखते हैं। इसके लिए हमने 1.5 कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी दूध, लगभग 100 ग्राम मावा, 1 कटोरी चीनी, 4-5 इलायची और तलने के लिए घी। मावे के मालपुए बनाने के लिए पहले हमको इस दूध को थोड़ा गुनगुना करना है और उसके बाद में हम इसमें मावा मिलाएंगे। तो आइए पहले हम दूध गर्म कर लेते हैं। इस दूध को हम पहले थोड़ा गुनगुना कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। दूध हल्का गुनगुना हो गया है, गैस बंद कर देंगे और इसे हम इस एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ये मावा थोड़ा थोड़ा सा मिला करके इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने मावे में दूध और मावा दोनों अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम चाहे तो इसे हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं अगर ये अच्छा मिक्स नहीं हुआ हो तो। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। और इसको इस तरह से मिलाते जाएंगे। ये ध्यान रहे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल हमको इसको चिकना पेस्ट बनाना है इसका। बिल्कुल इस तरह से हम इसको फेंटते रहेंगे और इसका चिकना पेस्ट बना लेंगे। जैसे हम जलेबी का बनाते हैं उस तरह से बिल्कुल चिकना होना चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। इसमें हम ये सारा मैदा मिक्स कर लेंगे और यदि हमको लगे इसका घोल ये गाढ़ा है तो हम इसमें और दूध मिला सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा दूध और मिला लेंगे और इसको अच्छा पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। ये देखिए बिल्कुल चिकना पेस्ट हो गया है ये। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फूलने के लिए ढक कर के रख देंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। जो हमने 1 कटोरी शक्कर ली थी या चीनी ली थी वो हम इसमें डाल देंगे। 1 गिलास पानी हम इसमें डाल देंगे, बस इतना ही पानी डालना है कि ये थोड़ी डूब जाए। ये हम डाल करके और इसकी चाशनी बना लेंगे। ये चाशनी हमको गुलाब जामुन के तरह ही बनानी है, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं होनी चाहिए इसकी। देखिए चाशनी उबल चुकी है, थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है इस तरह से। ये देखिए चिपचिपापन होने लगा, इसका मतलब चाशनी तैयार है। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है हमको। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम मालपुए बनाने शुरू करते हैं। पैन गरम रखा है, इसमें हम ये घी डाल देंगे। घी गरम हो गया है, हम इसमें मालपुए घोल डालेंगे इस तरह से। इधर डाल देंगे ये मालपुआ ऊपर आ गया, इसको हम पलट लेंगे। इसकी आंच ज़्यादा तेज नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएगा। मीडियम आंच पर ही हमको इसको रखना है।
मालपुआ तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। इधर हम ये इलायची पाउडर जो हमने तैयार किया था ये हम चाशनी में डाल देंगे। मैंने इस इलायची को कूट लिया था अच्छे से फिल करके, और जब ये मालपुए तल के तैयार हो जाएंगे तब हम इसको चाशनी में डालेंगे। ये हमारे सारे मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको सबको चाशनी में डाल देंगे। इस तरह से हम इनको चाशनी में डुबो देंगे। चाशनी ठंडी हो गई हो तो हम उसको वापस एक बार गर्म कर लेंगे। इस तरह से हमारे मावे के मालपुए बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। और इसे हम चाहें तो बादाम, काजू या किशमिश की कतरन से गार्निश कर दे सकते हैं। ये इस तरह से मावे के मालपुए बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरह से मावे के मालपुए बनाइए और खाइए। हम लोग अक्सर इसे हयाली अमावस्या के दिन बनाते हैं, और आप भी इसी तरह से कभी भी इसे बनाइए। किसी भी त्यौहार पर हम इसे बना सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, और जलेबी की तरह चिकना घोल बनाना है, और चाशनी हमको गुलाब जामुन की तरह ही बनानी है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल चटपटा खाना सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।